कहा है, उनके पास खाद भी है, क्रिकेट का सारा सामान भी है। इस तरह से अतिरिक्त भार एक विभाग को पर पड़ेगा। दूसरा, मान्यवर, इस बिल को प्रस्तुत अगर वाणिज्य विभाग करता, या मान्यवर इस बिल की प्रस्तुति रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता, तो जरूर बात समझ में आती। इसलिए मान्यवर इस बिल का प्रस्तुत करना गृह विभाग के द्वारा मेरे विवेक से, मेरे विचार से उचित नहीं लगता है। मान्यवर, इस बिल के द्वारा सरकार का मंशा है कि 13 चौकियों की स्थापना होगी, एकीकृत चौकियां, जिसमें 7 का निर्माण पहले किया जाएगा, 6 को बाद में बनाया जाएगा। मान्यवर, 13 चौकियों के बनाने से यह बात सही है कि विदेशी व्यापार में वृद्धि हो सकती है, 7 चौकियों से देश की सुरक्षा में भी कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन जो बाकी देश का बॉर्डर है, चाहे मान्यवर नेपाल बॉर्डर है, चाहे बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर है या भूटान का बॉर्डर है, मान्यवर उन बॉर्डर की लाइन पर सरकार क्या प्रबंध करेगी, बिल में क्या व्यवस्था की जाएगी, इस पर मान्यवर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बहुत अच्छा होता मान्यवर कि इस बिल को लाने से पहले, अब अगर गृह विभाग ने यह बिल प्रस्तुत कर ही दिया है, तो मैं ये निवेदन करूंगा, इस हाउस की चिंता मान्यवर यह है कि बहुत अच्छा होता कि इस बिल के अंदर देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर फेंसिंग कराने की व्यवस्था भी की जाती। मान्यवर, हम घर बना रहे हैं, घर का दरवाजा है लेकिन बाउंड्री नहीं है, घर का दरवाजा है लेकिन बाउंड्री नहीं है मान्यवर। यानी मुझे कई बार इसमें आशंका लगती है ये कि तेरे घर में दरवाजा है लेकिन तुझे खतरे का अंदाजा नहीं है। शायद सरकार को खतरे का अंदाजा नहीं है और अंदाजा होना चाहिए था। आज हमारा देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है मान्यवर, भयावह स्थिति पैदा हो गई है, भयावह। ये बात मान्यवर मैं इसलिए कह रहा हूं कि ना तो इस बिल में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर फेंसिंग की व्यवस्था पर कोई ध्यान दिया गया, ना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पर कोई महत्व दिया गया, बॉर्डर रोड मैनेजमेंट पर कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर, फ्लड लाइट्स की व्यवस्था हो, घुसपैठिया हमारे देश में घुसाता है, बांग्लादेश से रिक्शा चलाने वाला दिन में आता है, रिक्शा चलाता है हमारे देश में, शाम को बांग्लादेश पहुंच जाता है। मान्यवर, कैसे रोकेंगे? जब तक हमारी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर फेंसिंग नहीं होगी, बॉर्डर रोड मैनेजमेंट नहीं होगा, फ्लड लाइट्स की प्रबंध नहीं होगा, मान्यवर इन इन चौकियों का, इस अथॉरिटी के लाने का लाभ हमारी सरकार देश को कैसे देगी, ये हमारी चिंता है, हमारे देश की चिंता है मान्यवर। चूंकि ये मामला देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए मैंने कहा कि ये बिल महत्वपूर्ण भी है और आवश्यक भी है, और वो इसलिए है कि इस बिल से हम देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को भी महसूस मान्यवर कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, माओवाद आज हमारे देश के लिए चुनौती बन गया है, चुनौती मान्यवर। और अभी मान्यवर 26/11 मुंबई की घटना को अभी हमारा देश भूला नहीं है। पाकिस्तान से मिलिटेंट्स हमारे कंट्री में आते हैं, मुंबई में बड़े बड़े ऑफिसर्स को, विदेशियों को मार देते हैं,
ये मुंबई जैसी घटना मान्यवर अगर हमारे देश में हो रही है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मुझे यह नजर आती है कि हमारे देश में बॉर्डर चौकियां भी चाहे जितनी मर्जी बन जाएं, कितना ही सिक्योरिटी फोर्स क्यों ना लगा दिया जाए, लेकिन जब तक देश की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हमारी सरकार की चकाचौंध व्यवस्था नहीं होगी मान्यवर, तब तक इस बिल का लाभ हमारे देश के लोगों को मान्यवर नहीं मिल सकता। आज मान्यवर हमारी चिंता यह है कि चाहे नेपाल का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, देश सुरक्षित नहीं है आज इन सीमाओं के खुला होने से। देश में एक चिंता का माहौल पैदा हो गया। मान्यवर नेपाल की सीमा से कंधार प्लेन हाईजैक कर लिया जाता है, किस लिए कि नेपाल की सीमा पर कोई पासपोर्ट लागू नहीं होता, जब मर्जी जाए नेपाल के आदमी इधर आ जाए, इधर का उधर आ जाए। इसलिए मान्यवर इस तरह की गंभीर घटनाएं जो आज हमारे देश में हो रही हैं, नेताओं के बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, और मान्यवर इससे दुर्भाग्य की बात डेमोक्रेटिक सिस्टम में कुछ नहीं हो सकती कि देश की पार्लियामेंट पर भी हमला होता है। मान्यवर आज देश की पार्लियामेंट पे हमला, 26/11 मुंबई में होटल पे हमला, कंधार हाई प्लान चेक कर लिया जाता है। मान्यवर ये जो कुछ आज हमारे देश के लोग अपनी खुली आंखों से मान्यवर देख रहे हैं, ये आज भी देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और मान्यवर माफी के साथ कहता हूं कि आज हालात ऐसे बन गए हैं, जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री पर जूता फेंका गया है। 15 अगस्त को जूता माफ करना तो मजबूरी है, माफ तो हमने उसको भी कर दिया जिसने हमला किया था पार्लियामेंट पे, और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मान्यवर आज देश की सुरक्षा व्यवस्था, आज देश के बॉर्डरों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ना होना, आज देश की सीमाओं पर चौकसी ना होना ने आज हमारे देश के नेताओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आज देश की जनता नेताओं पर भरोसा करना कम कर रही है, लोगों के मन में शंका पैदा हो गई कि पता नहीं हमारे देश के लोग हमको बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, हमारे देश की सुरक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जब जिस देश में मान्यवर देश की जनता, देश के लोकतंत्र और देश के नेताओं पर मान्यवर शक करना शुरू कर दें, तो फिर कहीं ना कहीं ये चिंता और चिंतन का विषय हमारे लिए मान्यवर जरूर बन जाता है। देश की सुरक्षा से हम समझौता नहीं करेंगे। मान्यवर पूरा सदन और सदन के मान्य सदस्य इस देश के लोकतंत्र के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षाओं के लिए पूरी तरीके से मान्यवर सरकार के साथ है। हम सरकार के हर अच्छे काम के साथ हैं मान्यवर, लेकिन अफसोस अभी मान्यवर इस बात का लगता है कि देश से जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का ही अभी तक सीमांकन नहीं हो सका है ठीक से। जम्मू कश्मीर कहां शुरू होता है, कहां खत्म होगा, भूटान की सीमाएं कहां समाप्त होती हैं, नेपाल की सीमा कहां समाप्त होती है। मान्यवर अभी हमारे देश के सामने देश की सीमाओं की को चिन्हित कर पाना, देश की सीमाओं को रेखांकित कर पाना ही संभव नहीं हो पा रहा है। जब हमारे देश की सरकारों को मान्यवर इस बात का भी अंदाजा ना हो सके कि हमारे कौन देश की कौन सी सीमा कहां पे समाप्त होती है, तो मान्यवर उसकी सुरक्षा किया जाना मेरी समझ से मान्यवर अभी संभव नहीं लगता है। मान्यवर बहुत महत्वपूर्ण बिल है और मैं प्रथम बार
18वां दिन है माननीय सदन को चलते हुए, और मैं बहुत ज्यादा मैं संविधान का ज्ञाता नहीं हूं, मुझे बहुत अनुभव नहीं है सदन की कार्रवाइयों का, सदन में बोलने का, लेकिन जितना कुछ इस दरमियान में सीनियर सदस्यों से जानने समझने की कोशिश की है, मैं माननीय अपने सीनियर से कुछ सीखकर अपने दिल के उद्गार और भावनाओं को व्यक्त माननीय कर रहा हूं। कुछ समय लग सकता है, उसकी माफी चाहता हूं माननीय। और मुझे पता लगा परंपरा ऐसी है कि जब मेडल स्पीच होती है तो शायद उस दरमियान उस सदस्य को बोलने का खुला मौका दिया जाता है। 4 घंटे बोले। अब खुला मौका दिया गया है तो फिर माननीय एक मुझे दो लाइन मुझे याद आ रही है कि जिंदगी दी है तो शर्त इबादत ना लगा, जिंदगी दी है तो शर्त इबादत ना लगा, पेड़ का साया भी बला पेड़ को क्या देता है। माननीय थोड़ी सी अभी बात है, शुरू कर रहा हूँ। ओके ठीक है, ठीक है, सुनिए। कल तक खत्म कर देंगे जी। जी काश्यप जी, माननीय लेकिन द टाइम एक्सटेंशन, कल के लिए टाइम एक्सटेंशन शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द टाइम अलॉटेड टू योर पार्टी, देयरफॉर कीप इन माइंड दैट्स आल्सो। आई विल नॉट स्टॉप यू, बट कीप इन माइंड इट इज ऑलरेडी 6 PM and then I will not stop him, but he himself will control, self-control. Kal tak. We have to pass this bill, and Congress party has surrendered 40 minutes of their time. My request is that every party should surrender. I will not control him only, but all others will cut. I am not controlling him. Don't worry. जब आप जितने भी पहले मेंबर बोले हैं, जो मेंबर पहले बोले जिन्होंने मेडल स्पीच दी है, आप बहुत उनके प्रति हमदर्द रवैया। I am not controlling. हम यही चाहते हैं घंटा सवा घंटा आप बोल लेंगे, no. कल बोल लेंगे, कंटिन्यू रखा जाए। सुनिए, I am अच्छा करीमपुरी जी, I am not stopping him. I told you, but I only requested the Congress member to swear. I am not stopping him. But he should, I said self-control. That is all what I said. Yes, sir. Boliye. Aap boliye. Boliye, boliye. Haan, boliye. Haan, bill related bolte hai. Bill related hai. Wahi bolte hai.